वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी बज रहे दिन के 12:20। आप लोग देख लीजिए, अभी दिन के 12:20 हो रहे हैं और मैंने अपना ब्लॉग आज अभी स्टार्ट किया है। हम मॉर्निंग में ही उठे हैं पर ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आज सुबह से सभी का थोड़ा मन उदास है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगा। पर जैसे कि सुबह ऋषि का मोबाइल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा बार बार उसका मोबाइल ख़राब हो जा रहा है क्योंकि उसका थोड़ा कम दाम का मोबाइल है। उसे चाहिए थोड़ा ज़्यादा दाम का मोबाइल। तो क्लास करते करते उसका मोबाइल आज फिर ऑफ हो गया तो बहुत उदास हो गया। तो हम उसको बोले कि बेटा अगर आपको ज़रूरी है तो आप ले लो, हम खरीद देंगे। पर वो बोला नहीं मम्मी अभी रहने दीजिए। पर हम समझ रहे कि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उस मोबाइल की वजह से, क्योंकि वो 10 दिन चलती नहीं है कि फिर 15 दिन बीमार हो जाती है। तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा वो मोबाइल उसे, जो कि मुझे देना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या किया जाए, कैसे उसे खरीदते हैं मोबाइल। और उसे खरीद तो ज़रूर देंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के अलावा हमारी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पता है ज़्यादा जब सोचने लगते हैं तो सर बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, पूरा सर फटने लगता है, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। मेरा दोपहर का खाना बन चुका है और हस्बैंड भी आज शॉप बंद कर दिए हैं, वो गए हैं ऋषि के स्कूल। आज ऋषि के स्कूल में मीटिंग्स है, वो मुझे जाने के लिए बोल रहे थे पर मैं तैयार होकर भी नहीं गई, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। हम बोला आप चले जाइए, तो वो चले गए पर बोले अगर मेरा उधर जल्दी हो जाएगा तो तुम थोड़ा मेरे साथ बैंक चलना। हाँ गए अभी ऋषि के स्कूल से, चलिए आपको दिखाते हैं। एक आए हैं मार्केट से, एक गए थे ऋषि के स्कूल, उधर उधर मार्केट भी चले गए और लीची लेकर आए हैं। बहुत लेट हो गया से, बहुत जल्दी बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते, मन चला ही हम जाएंगे नहीं, हम बहुत रहे। आ गए बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो चलते हैं इसके अंदर। तो बैंक के अंदर भीड़ है, हम चले गए खाता अपडेट करने के लिए। अपडेट की मशीन बाहर रखी हुई थी, हमें पता नहीं थी तो हम आकर बाहर अपडेट ले रहे हैं। मेरा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि उन लोग का लंच टाइम है, उससे पहले ही अपना काम कर लिया। अब हम चलते हैं घर। आ गया पर ये फिर से मार्केट शॉप पे जा रहे हैं क्योंकि माल आया है तो इनको रखवाने के लिए जाना पड़ेगा शॉप पे। ये फिर जा रहे हैं, ये आकर खाना खाएंगे, तब तक हम लोग खा लेते हैं खाना। तो हम खाना निकाल लिए मेरा और इची का क्योंकि ये तो शॉप पे चले गए फिर से, और देखिए कितना टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं। तो हम इसी पहले खा लेते हैं और फिर ये आएंगे जिनको हम खाना दे देंगे। आ जाओ बेटा खाने के लिए। आज आम और लीची दोनों ले आए हैं, तो खाना आइए, आम और लीची खिलाते हैं सबको हम। आ बच्चू। तो अभी बच्चों के शाम के 6 और ये शॉप पे चले गए, ऋषि भी आ गया स्कूल से और लीची कर रहा है पूजा। और अचानक से मौसम पूरा ही पलट गया है, पूरा ही आंधी आ रही है, बारिश हो रही है। लीची पूजा कर रहा है, शाम का संध्या पत्ति दे रहा है और ये मौसम बाहर का एकदम ही अंधेरा हो गया है, पूरा हवा चल रहा है, पूरी आंधी आ रही है। तो अभी रात हो गई है काफी और बच्चों को लग गई है भूख, तो हम थोड़ा जल्दी से पराठा बना देते हैं क्योंकि सब्जी वगैरह दिन की बहुत सारी पड़ी हुई है, सारी सब्जी रखी हुई है दिन की। तो हम पराठा बना देंगे, सबको दे देंगे, तो लोग खा लेंगे। मामा क्या खा रहे है? आम पराठा। वाह, नाना जी खाते थे? नाना जी, नानी, मामा लोग खाते है। तो हम खा रहे आज रात में डिनर में आम और पराठा, सभी को हमने खाना दे दिया, सब टीवी देख के कोई मोबाइल देख के खा रहा है। हम बोले हम शांति से खाना खाएंगे और मुझे आज खाने के मन कर आम पराठा, क्योंकि बचपन से हम पराठा रोटी आम पराठा खाते हुए आए हैं, मुझे सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है, सब्जी का दरकार नहीं पड़ेगा, मुझे इसे पराठा या रोटी जो करती है कीजिए और फिर कट कीजिए। उसके बाद खाना वगैरह खा के अभी बैठे हुए हैं और इसी बता रहा कि पापा ये वाला फोन सही रहेगा, तो वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बातें चल रही है, बताया जा रहा है, ऋषि बता रहा है। तो यहाँ पर ऋषि ऑर्डर कर रहा है, EMI पे ले रहा है। तो हम और ये दोनों आपस में बात करके ऋषि के लिए फोन बाय कर दिए हैं, अब देखते हैं फोन कब आता है, क्योंकि फोन देना उसे बहुत जरूरी था। तो हम लोगों ने फिलहाल फोन बाय कर दिया है और इसके साथ ही इस ब्लॉग को वहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए मुझ पर।